तो इन्होंने हमें यहाँ पे दिए हैं चार कुलचे, साथ में ये बहुत बड़ी वाली हरी मिर्ची का अचार दिया है जो ये लोग खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लेट में दिया है सबसे पहले छोले, जिसमें इन्होंने बहुत सारा प्याज, कोरिएंडर एंड हमें साथ में लेमन दिया है। कुलचे बहुत अच्छे से वेल कुक्ड लग रहे हैं, बहुत अच्छे से बटर में सेके हुए हैं, बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं। तो यार छोले कुलचे मैंने अपनी लोकेलिटी में भी बड़े ट्राई किए, इनफैक्ट बहुत जगह के खाए हुए हैं, बट यहाँ पे कुछ तो अलग बात है। मतलब आई डोंट नो व्हाई इनके जो मसाले हैं ये खुद प्रिपेयर करते हैं, इस वजह से इनका जो फ्लेवर है ना और भी अच्छे से उभर के आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इंडिया इट मेनिया। आई एम दिव्या नेगी एंड आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ लाजपत नगर मार्केट में। वैसे मार्केट शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है, बट आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एक ऐसे प्लेस पे जो फेमस है उनके छोले कुलचों के लिए। तो आइए चलते हैं। फाइनली मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गई हूं। जैसा आप देख सकते हैं इन्होंने कितनी छोटे से प्लेस पे अपना सेटअप लगाया हुआ है, और ये आज से नहीं काफी सालों से इसी सेटअप के साथ यहां छोले कुलचे बेच रहे हैं। वैसे यूजुअली यहां पे बहुत भीड़ होती है, बट हम आज बहुत ही जल्दी आना पड़ा क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा शूट बहुत आराम से हो जाए, तो इसीलिए हम बहुत जल्दी आ गए मार्केट में। तो अभी यहां पे भीड़ कम है, बट थोड़ी टाइम में यहां भीड़ बढ़ने वाली है, तो हम ज्यादा वेट नहीं करते हैं और अपने छोले कुलचों की प्लेट भी ऑर्डर करते हैं। तो ये शॉप यहाँ पे बहुत पुरानी है, बट मेन बात ये है कि इनका जो मसाले हैं या फिर जो इनका टेस्ट है वो कैसे कंसिस्टेंट है, हमें ज्यादा अच्छे से यहाँ के रेगुलर कस्टमर बता पाएंगे। तो आइए अब हम उनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, काफी टाइम से आ रही हूँ यहाँ पे, मुझे तो बहुत साल हो गए, मुझे याद भी नहीं है, मोर देन 10-12 इयर्स तो हो ही गए हैं। तो हम जब भी आते हैं यहाँ से जरूर लेते हैं। अभी मैं अपनी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे ज्यादा लेके जा रही हूँ। नहीं, इनका मसाला बहुत अच्छा है, टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा। तो अभी मैंने सुना आप वसंत कुंज से। हाँ, मैं वसंत कुंज से, ऑल दी वे जस्ट बिकॉज ऑफ इट। आप वसंत कुंज से लाजपत नगर आई हैं जस्ट इनके छोले कुलचे खाने। हाँ, और अपनी फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स के लिए। और मैम अगर आपको इसको रेटिंग देनी हो तो आप आउट ऑफ 10 आप कितने पॉइंट्स देंगे? 8 तो दे ही दूंगी। कि मेरे छोले कुलचों की प्लेट रेडी हो गई है और मेरे हाथों में आ चुकी है, तो इट स्मेल अमेजिंग और मुझसे वेट नहीं हो रहा है। तो मैं जल्दी से बताती हूँ, इन्होंने हमें प्लेट में दिया है सबसे पहले छोले, जिसमें इन्होंने बहुत सारा प्याज, कोरिएंडर एंड हमें साथ में लेमन दिया है, एंड हमें इन्होंने चार कुलचे और साथ में ये बहुत बड़ी वाली हरी मिर्ची का अचार दिया है जो ये लोग खुद प्रिपेयर करते हैं। कुलचे बहुत अच्छे से वेल कुक्ड लग रहे हैं, बहुत अच्छे से बटर में सेके हुए हैं एंड बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं। तो अब ज्यादा वेट नहीं हो रहा है, फटाफट से अपने छोले कुलचों को टेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत तारीफ सुन ली है। अब टाइम है इसे खाने का और बताने का। ये चल में है कैसे? मतलब मजा आ गया खा के। तो यार छोले कुलचे मैंने अपनी लोकेलिटी में भी बड़े ट्राई किए, इनफैक्ट बहुत जगह के खाए हुए, बट यहाँ पे कुछ तो अलग बात है क्योंकि इनके जो मसाले हैं ये खुद प्रिपेयर करते हैं, इस वजह से इनका जो फ्लेवर है ना वो और भी अच्छे से उभर के आ रहा है। तो शायद इस वजह से ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहे हैं। इट्स अमेजिंग, इट्स टू गुड। मैं आपको प्रॉपर्ली रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ जरूर आइए। तो मुझे ये बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगे। अगर मुझे रेटिंग देने को दी जाए तो आउट ऑफ 10 मैं इसे 9 दूंगी। इट
स्पेशल, इट्स टू गुड। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसके लिए आपको यहाँ खुद आना पड़ेगा। तो आप कभी भी लाजपत नगर आओ तो आप इस एरिया में जरूर आना। तो अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये प्लेट है 50 रुपीज की, जिसमें आपको 4 कुलचे मिलते हैं विद डिलीशियस छोले। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये सेंट्रल मार्केट में है लाजपत नगर के, बहुत ही फेमस शॉप है, कोई भी आपको बता देगा। और मैं आपसे मिलूंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया इट मेनिया को। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम। मैं आपसे मिलूंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग इंडिया इट मेनिया। आई एम दिव्या नेगी फ्रॉम इंडिया इट मेनिया साइनिंग ऑफ। ज़्यादा वेट नहीं करते हैं और इसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इट स्मेल्स सो गुड। तो चलो टेस्ट कर लें।